पढ़ना बढ़िया इबादत है, बल्कि बुलंद आवाज नाम सलवात। हर बंदा अपने अपने मरहूम की बख्शिश वास्ते और जुमला कानिया ने मजलिस दे मरहूमीन दे दरजात की बुलंदी वास्ते जुमला शोदाए मिलत जाफरिया दे दरजात की बुलंदी वास्ते और ऐसे मोमिनीन और मोमिनात दे सारे सवाब वास्ते इन्हां सिफातिया और दरूद पढ़ने वाला कोई नहीं वाजिब समझ गए हैं। बुलंद आवाज नाल सलवात अल्लाह तकलीफ न समझो तो अख बंद करके इस अकबाल रूहे मासूमीन की खातिर सलवात पढ़ो। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अली आले हलाली शिया सुनी हाथ जाके बोलो हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत मोहम्मद वाले मोहम्मद दुश्मन ते लान सलवात पढ़ो साईं दी ज़ात ते बोलो है इजाजत की नौकरी पिछले अंदर भी आर्डर है कि नौकरी मालिक अल्लाह थोड़ा इस दरबारे टुर के आया कबूल कर बानियान दिया सफे अल्लाह विच मालिक अपने दरबारे कबूल कर मालिक अल्लाह बे औलादा नू औलादे नरीना ता फरमा मालिक अल्लाह बे गुनाह कैदियां दियां कैदा रिहा फरमा मालिक अल्लाह बीमारा नू सेहत कुल्ली अता फरमा बिलखसूस जज जान हुसैन सगीर हुसैन जाफरी साहब नू मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा मालिक अल्लाह जितने ही मोमिन परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा मालिक अल्लाह इस जिक्र का सदका जितने मोमिन सीखते हैं उन्होंने 14 का सवार आखिरी दुआ वड्डी दुआ वाजिब समझ के आमीन आखिरी मालिक अल्लाह इस जिक्र के असली वारिस वा जल्दी जरूर फरमा हूँ सलवात पढ़ो 14 की रात में बुलंद आवाज इजाजत की नौकरी पिछले अंदर भी एडर है नौकरी दे के मेरे भाई इमरान हैदर काजमी साहब ये थोड़े जी मजलूम दादना जी मदा खाना मैं भी जनाब थोड़ी जी तिलावत करना चाहूँ सफदर पढ़नी है पहली सफदर ते वेखना इन्हां दा मयारे समाप्त ये थके बैठे होए तो इतों बस कसीदा ते मुड़ मसाहब अगर ये सुनन दे मूड च होए तां अज बुखारी भी पढ़न दे मूड च खलोते ते वेखो मेरे आले पासे सर मुबारक तसजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे अल्लाह दे नबी नमाज पे पढ़े तेरे ते मेरा मालिक इमाम हुसैन अलैहि सलातो व सलाम ज़ाहिरन बचपन आके नाने मोहम्मद की पुछ ते सवार तवज्जो है जनाब आके नाने की पुछ ते सवार हुए नबी पाक ने तस्बीह पढ़ी सुभान रब्बे अलाला व बिहम्दे सजदे सर रख के सुभान रब्बे अलाला व बिहम्दे सुभान रब्बे अलाला व बिहम्दे त्रै वारी पढ़ी त्रै तो सत्त सत्त तो नौ ते 70 वारी तस्बीह पढ़ी इरादा की तो सर जावा आवाज तो ही नहीं उस वक्त तक सर नहीं जावना जब तक मेरा हुसैन ना उठ जावे सारे हर मातम का हक बनता है हथ बुलंद करना जेडे पिछले बैठे हो पुत्रा के बाप सर मुबारक सर मुबारक तस्जदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे तरतीबे नहीं हजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे जागने भाई हजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे हुसैन नाने की पुश तो बैठे शरिया रब में तवज्जो करनी है हुसैन नाने की पुश से बैठे जमाने भर को दिखा रहे थे भाई क्या दिखा रहे थे जमाने भर को हुसैन का मातमी ते हक मेरा
ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਰ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕੌਸਰ ਉਸੇ ਕੋ ਮਹਿਸ਼ਰ ਮੇ ਚੈਨ ਹੋਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਸਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਹੁਸੈਨ जिसके दिल में हुसैन जिसके दिल में हुसैन होगा नमाज दीन का अहम सबूत आई की मजलिस नमाज में खुश मौजूद है मौलवी नमाज का ना चलवे तो बंदे उठी वन लग पे अगर अली आला नमाज ना पढ़ सी तो कौन पढ़ सी अली के पुत्रा नमाज बचाइए नमाज दीन का अहम नमाज मोमिन दी मेराज मेरे बुजुर्ग चेहरे बैठे नमाज मोमिन दी मेराज पंज गाना नमाज फर्ज है हर बंदे ते उस रहमान का सजदे सर रख के शुक्रिया अदा लेकिन पीरवाल का मत नहीं याद रखे नमाज उसी कबूल है जिस दिल में विलायत अली नमाज मस्जिद नबवी आम मस्जिद नहीं मस्जिद है आम पेश नमाज नहीं वो पेश नमाज है जिस वास्ते अल्लाह ने कायनात बनाई आखिरी बंदे तक ताई तक मजना तकाले बशरियत है तवज्जो दा ताले जिस वास्ते अल्लाह ने कायनात बनाई है वो पेश नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है नमाज नमाज तो बाद सलाम फेरिया सलाम तो बाद गिनती की अल्लाह के नबी नू दो नमाज ही काम नसे मैं कसीदे दे मौजू वाले पासे किताब का नाम है मना के बे अहले बैत ये तो दी गल शुरू एक बहुत बड़े मकतब अहले बैत के राइटर गुजरे हाशिम पारानी उन्होंने भी अपने दो किताबें इस वाक्य को नकल किया पढ़े लिखे दौरे बंद कुछ दो नमाजी काम न हजूर फरमा चलो कह रहे हजूर निकले वो दो नमाजी जड़े अज नमाज से नहीं है वो नमाजी जख्मी हालत आकर अक्सर मैं तो रुकी आका फजर की नमाज से आ रहा से एक गली का मोड़ भवे जेड़ा पहुंच गया मैं सैयद उसको सलाम करे सा गली का मोड़ भवे है फलाने यहूदी नहीं उसका कुत्ता है सानू फौकिया भी है तो सानू वटिया भी है जेड़े हाथ से आके सलाम पे करें दे अली बादशाह नु सलाम हो जाए सानू फौकिया भी है सानू वटिया भी है अक्सर मैं चलो ठीक है तुस आज रेस्ट करो आराम करो ते कल नमाज दे पर अक इस्लाम की तबलीग पे निकल वेंदे आ दूर दूर सहाबा नाल मगरबैन ते वापस वेंदे आ मगरबैन पड़ी घर आए दूसरा दिन चढ़िया फजर की नमाज पढ़ी सलाम फेरे अज दो नहीं अज अल्लाह के नबी नू छे नमाजी काम दे
छह नमाजी नबी परेशान बाहर निकले अजय घर पहुंचते वजे या दरवाजे तो दस हजरत सुलेमाना क्या को मेनु मिलिया तो वो सेम वाकया वो पे दे नांदे पे असे तो यहूदी का कुत्ता सन पहले भौ किया ते वाद बड़े तो जो है मेरी गुजारिश समझ आ रही है सारे सन भौ किया भी है मामूल मुताबिक फजर की नमाज कायनात की रहमत ने पढ़ाई हसनैन के नाम ने सलाम फेरिया आज कोई अल्लाह के नबी नू एक दो त्रै छे नहीं अल्लाह के नबी नू कोई 18 नमाजी काम नजर बाकी किताब दे लफ्ज लफ्ज का नसीब था अल्लाह का नबी बड़े परेशान इस्लाम तेजी नाल सफर कर इस्लाम तेजी नाल फैल रही है रोज रोज लोग मुसलमान पे होंगे तादाद वधण की बजाय मदीने च तादाद बाहर निकले घर नाम पे पहुंचते जो पैगाम मिले वो कुत्ता बड़ी तवज्जो ही नहीं मैं कह रहा जो चुप करके बैठे हो परेशान नहीं हो मेरा वो कुत्ता ਫੌਕੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅਚਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਢਿਆ ਵੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਖਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਅਜਲ ਹਸਨੈਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ مشورے ਦੇਣਾ ਆਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਲੀਗ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੜੇਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ चंगे नौकर ने मशवरे पियो वाले ने हो सरदारन पसंद आ जाए ये गल है अल्लाह के नबी को फरमाया हुन मैं इन्हें मत नहीं मैं और जेडे जख्मी नमाजी ने उना नु साथ उना नु मैं नाल ले वेणा जो गल मुंह ते हो पीछे कोई मुकर ना जा जान दा तो सब कुछ आई ना अल्लाह का नबी लो जी अगो कायनात की रहमत पिछू पिछू सहाबी नालो नमाजी पहुंचे यहूदी के दरवाजे पे तवज्जो भाई ओ आखरी बंदे तक हाथ चावणे को सलाम अली बादशाह हो जावणे जिसके दिल च विलायत वसती है मेरे पाक अमीर बादशाह दी आके ते हजरत सलमान ने तकुल बाप कीता है ते यहूदी घर च बह रहे है सर को जाके पैर तक हसनैन दे नाले वेखण दे बाद हाथ जोड़ के कहदा बिस्मिल्लाह करा नौकर दे बूहे ते गुल्ली रहमत करके किवें आ गई है जिस वजह तो तुसा खुद तुर के आ गए हो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो एक कुत्ता रखी दुख लग सी उस बंदे ते जेड़ा बारीक जुमले ना समझिया इसलिए आखे ना तो कोई कुत्ता रखे हुए ते सर तले करके ते हसनैन जी नहीं एक मैं भी रखे हुए है मैं भी रखे हुए ते अल्लाह दे नबी फरमाया या वो तो उसने समझा सुबह दे टाइम से हो के आ बंद है जिला का मैं सुबह खोल देना बारह तो बंद है चौक के गलियां फिर शाम वापस आ पे फरमाया उसको समझा कुत्ते कोई वैरी नमाज के नाम पे टीन मटीरी का मैं ना मेरे बजुर्गा पढ़ी तो ना मैनू आती है तो वेख सो मेरे आले पासे ए उन समझा
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਰੋਜ਼ ਚੌਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਜਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਵੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਦਈਏ ਜਾਕਾ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਈ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਡੇ ਦਈਏ जेड़ा मासूम होंगे जेड़ा नबी होंगे वह तो हर जिस की जबान को समझते लेकिन जो कोलू मर के खलिया उन्होंने तो समझ का ही नहीं आने भाई उन्होंने समझ का ही नहीं आने और अल्लाह के नबी आखिया इन्हों पता लग अच्छा मजे की गल एक तुम दसा लुत्फ लेने इस गल का किताब वाले एक लफ्ज नहीं लिखा लेकिन यह लफ्ज मेरे दादा जान से गुलाम बादशाह गोड़िया ने दरियात बुलंद होवे वह पढ़ते होंगे क्योंकि मिंबर पर मैं हक बयानी कर दादियाँ झूठ मैं कभी नहीं बोलिया वो पढ़ते होंगे जेडे जख्मी खलियान उन्हें कुत्तें डीठा तो सत सत कदम होर पीछा पड़ा मैं जू खा अल्लाह आखिया जिथे मुहम्मद आजाद ना मेरे ये नमाज की गल शुरू की जेडे नहीं पढ़ते अल्लाह के नाम से पढ़ी करो नमाज जेडे को रिस्क नहीं है तू नमाज शुरू कर दे रिस्क ना अल्लाह दे तो मैं सिखा लेकिन कबूल उसकी है जेड़ा विलायत अली रख ले वेखना मेरे आले पासे तवज्जो भाई ये गल हर जाके नु नहीं आंदियां ते ना कोई करदा वेख सो मेरे आले पासे नियाज़े ज़हरा कुत्ते नु अल्लाह दे नबी ने ज़बान अता की जेड़े चुप करके नबी इतने अख्तियार रखदा है अख्तियारात ते मुहम्मद तू पढ़ता सही किताब तेनु पता लग जावे अल्लाह दा नबी और मासूम इतने अख्तियार रखदे कुत्ते नु अल्लाह दे नबी ने ज़बान अता की फरमाया बोल झूठ ना बोल सकता थोड़े हैवान ना जानवर बिलकुल बहाना फरमाया वक्त शर्म नहीं तेन हया नहीं आता मैं कभी मुश्किल ना तबलीग वादा करे ना अल्लाह का दीन फैलाना तू जानवर होव का बड़ा ही फायदा चाह रहे हैं सुबह के टाइम होर तेन लक्ष्य नहीं मिलती तू भौकद सोनिया नमाजियों किसने भजने उन्होंने पिछू भज के वत बन के बढ़े है एक होर बरीक जुमला आखा जे समझो सके मेरी बड़ी तेज रफ्तार है पर तुहाडे नमाजी मजरू ही रख गए नमाजियों मैं अल्लाह का दीन बड़ी मुश्किल फैला रहा मैं तेरे मालिक को समझा के जा रहा अज के बाद तू ना इस शौक से बैठे मैं इन्हें नमाजियों फोक के तवज्जो भाई तवज्जो मैं इन्हों फोक के मैं इस शौक से बैठे कैमरा जख्मी नमाजी खलोते सलेमान खलोते तेरे बाकी सहाबी खलोते बाकी नमाजी इन्हों तो मैं कुछ ना आता मैं इन्हें दसा जा आका भाई फैसला तू चंगा इन्हें नमाजियों अज तू बाद
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਆਵਾ ਦੇ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋ ਅੱਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ ਤੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਬ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾ ਸਲਵਾਤ ਖੁੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕੀ ਖਾਸ ਬੜਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਬੜੇ ਕੀ ਖਾਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਮਾਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਮ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਤਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸਰ ਚਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਈ ਸਜਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਈ ਉਸ ਨਮਾਜ਼
ایک زیدہ دا شیر دادا جان سے غلام بادشاہ بوڑیاں نے لکھیا سی کیونکہ بزرگ طاہرہ سی ہوں یہ دادے جان دا لکھیا ہے قصیدہ پڑھیا ہے بہت پڑھیا انہوں نے زندگی لکھن والے پڑھن والے قبریں چھوڑ تو ویکھو میرے پاس قصیدے دا موضوع ہے جدا کاشا نہیں ادا بھی سید ہاں سلوات پڑھو تو میں قصیدہ سنا وہ پڑھتے ہیں چھپا رہا بڑا سوز بزرگ رسین مشہور ہے سید غلام بادشاہ بھوڑیاں کا اور مورے خیال محمد سید ناصر حسین شاہ بھگوان نام کے پچھوں دا دا پندرہ پندرہ سوز یا کٹھے جی ہاں ایسا بس چاہتے جی کوشش کر سائیں کہ تھوڑی دیر انہوں کی خوشبو آوے نیت دے نال چودہ دی ذات تے سلوات اللہ تشریح نہیں میں بھائی ڈائریکٹ شیر سنا من لگا دیکھو میرے پاس بھائی جیڑے کھاڑے کھڑ کے گنتے تے رب دا حمد کرے دے رہے جس گھر میں اللہ کی پہچان کرائی انہوں نے ہتھیاں روڑ دی
तब्दील च करा मत तो किसी रिहाय इजाफा होता या ते सजदे करके दसिया जो अल्लाह है इतनी करे ऊपर दे चो जिंदगी तक पहुंच जाए उन्होंने दिया दिया या या ते बड़ी दिया सैयदान बैन ते बिराद अली का जी अल्लाह के नाम लेवा बैन बिराद जवारा चार बिराद कहना भी एक थोड़ी देर बाद झोली चार के दुआ करें ना थोड़ी हंगू बतूल दीवार का है समझो अल्लाह थोड़े वेड़े या बाद अल्लाह पुत्र दे बाग सुने थोड़ी औलाद नेक बने लायक बने साहले और फर्म बरदार जिंदगी की मुश्किल दुआएं जेन से लेके बैठे गुरु फकीर के बात तो सन्नो बनावट का मिल वाल नहीं है मैं थोड़े सहारे और तैयारी अगले जेड़े जाकर के साढ़े बुजुर्ग नो नौ मुहर्रम का तैयारी जो पढ़ने हैं नाम ही बेड़ा बनावट होता ही होता है इंसान के साथ उन बुजुर्गों को सबक ले तरतीब न पढ़न दादिया मेरे तो पहले मेरे बड़े भीरा पढ़ दें मैं तो हर दस दे मातवे की जुतियां की खाक ताकि जेड़ा मजमून क्योंकि बाद अलगा फिर मैं या मेरे जिन्हें भाई असन ले से बराम दिया ये जेड़ा मजमून हो मैं नौकरी दीती लग सी तैयारी का मैं आज मैं भी पढ़ ली पढ़नी इस वजह तुम्हें मजमून हो पते नहीं जो जैनब नहीं टूरी होता जनाजा टूरी रशिया बैठे सिर पे मुकाना पेट के कूका पता लगे जो नुकसान सुनी बैठे थे तो हुसैन मौला दे मेहमान है मौला का शुक्र गुजार वल्ले वली दे दरबार च सड़े ने अकबर मेरा फख्र यूसुफ अकबर पठाटा साहब भर के हुसैन आदे शाला नजर ना लगी अकबर या किसम या कुछ नहीं लगता सारे है कर छो अकबर ओ मेरा सोना अकबर अरे जियो मेरा गरीब बाबा सैना दिन अकबर अज के है चंद बाबा छप्पी फरमाए याद रख ले 28 दी गुड़ दी दीगर में वतन छोड़ दे तैयारी तो नहीं रो सकता किन्नी करे खैरात अकबर मैं 28 छोड़ देवना मदीना ते अकबर मैं तेरे हिस्से की बहन नु नाल नहीं ले वंडना जेड़ा हुसैन दी धीर ये मुकान मैं सैयद हो देवना चाहता है मेरे दिल ले सारे रल के मैं सैयद नु मुकान दे ऊपर चाओ बिछोड़े दी मुकान दे बिछोड़े दी बल कर सके ओ चिट्ठियां दाड़ियां ले बुजुर्गों जाइयां दे काजू ने कोई तो धियां लई बैठो सी भैणा ना अकबर ने बाबा उस नाल बोलना छोड़ा जेड़ी झट मेरे बगैर नहीं रह सकी फरमाया हां जी करा मैं नौकर बाबा छोड़ दे भैन नाल बोलना मुकम्मल हिजर का कोर्स करा ले बाबे डाखा मन के कदी अकबर भैन के सिरानियों लग कदी पवादियों लग वे भैन तुर तुर बिरा कंड वेधी रवे अकबर भैन नाल बोले नहीं जेड़े चुप करके मेरे बैठे हो है जरूर कर छोड़े घर में एक भैन भिरा का प्यार अनोखा हो बच्चे तो सारे होंगे ना लेकिन एक भैन भिरा का अनोखा प्यार होंगे उस भैन को सारिया ताना भिरा के नाम होंगे पता नहीं केड़ा जी है जेड़ा है करे सी केड़ा सर ते हाथ लेके आ सी उस भैन को सब तो बड़ी आस होंगी है मेरा भिरा जवानी चढ़ सी तो मैं भिरा पलो बन सी अल्लाह न कर रहे हो फिरा मर जाए पीर वाले झोलियां फैला के दुआ मंगो मेरा अल्लाह इंशाल्लाह किसी का दाड़ी लादा ना मरे
شالا کسے دا سہرے آلا نہ مرے شالا کسے دا جانے آلا نہ مرے اگر مر جاوے اوہ بہن جیون دے قابل نہیں رہندی سہیلیاں نوں اکٹھا کر کے بھرا دے جنازے تے سہرے آ کے سجدے اے آدی اے ویکھو نا میرے بھرا نوں سہرے شاباش زینب تے کلثوم مٹا نہ سونا بازار جانے دربار جانے میری بہن رقیہ شاباش فرمایا ہر دروازے تے ون کے اعلان کر جس دا نام اوے حسین محمد چاک پہ بزرگ ذاکر پڑ جرم دین جنہ جلنا ہے جلد تیار کیو شاہ حکل دیتی چھاڑ در دے پڑ اینا للہ ہر بی بی تے چپائے برکا سر دے بھائی این قیامت ماں اسور دی تے جدہ بید کی تی وال گھر دے کر ترے واری اما جھڑی سہرا وال بھی سن سر دے ہاتھ لے کے اور یاد رکھ لو روایات بی بی آلیہ نے اپنا نام آپ پہلے لکھا حسین فرمایا آلیہ میں تو لکھنا ہی تیرا نام تو آپ کیوں لکھوائے جڑا ہلکے دماغ میں ایک بڑی حق چاہے جڑا ہلکے دماغ میں سید سنجید خان اکبر کا میرے نال وعدہ کرو کہ بین پسند آوے تو سر پہ ہاتھ لے آ کے پرسا علی دی دین دے چھڑے سو بی بی آپ لکھائے نام اپنا دے واسطہ پاک خدا دا بلاد رو کے دے جے دے نال کوئی تھی یا بہن ہوے ان کوئی بھی کچھ نہیں آتا آدھی حسین میں تیرے نالا مت نامے دی امت حیا کر جاوے حسین آتا ہے ساڑی ماں خالی ولائی میں امتی حیا شاباش ستارا پیراوا سوار کرایا سوار کیوں ہوئی قرآن تو گھٹ نہیں قرآن دے ورسن ذکر میرے سر تے وان دسیا میں بناوٹ تسلو دو نمبریاں دا قائل نہیں بی بی زہرا گواہ اے اس جملے تے پچھا جس جس مقام تے میں نوکری ہوتی میرے حصے دیاں مجلساں مک گئیاں اگا پڑھن دی مینوں لوڑ ہی نہیں پئی اللہ گواہ ستارا پھرائی کھلن پوتری کھلن بدری کھلن عالیا کھلیا محمل دے کول مولا حسین دین آ زینب تے میں سہارا دے کے چڑھاواں ہوے شیا تے ہر سر تے لے آویں ہو نہیں سمجھا زینب آ میں چڑھاواں بی بی ا دی تو نہیں چڑھاونا اللہ گواہ حباس ادن میں نو کرا میں چڑھاوا فرمایا تو نہیں چڑھاونا انفیا ابن علی ادن میں چڑھاوا تو نہیں چڑھاونا اون ابن علی ادن میں چڑھاوا فرمایا تو نہیں چڑھاونا حسین ادے بھرا مر ونجنی وقت کار چڑھاوی پٹ کے علی دی شرم علی دی ادی اج او چڑھاوے جڑا شام وچ نہاوے سید ادن سجاد بھاجیا سفرا دی سنگت پھپھی نو معاملہ تے اے ہاتھ رکھ سجاد موڑے تے چڑی اٹھ تے آن دی ماہے عباس نے اٹھ سے پلاڑ دی مان سنگ سائیکل تو بات اے این کر کے حاضر تے زانو تے آگیا دا پیر آئے نہیں نہیں تے نو سمجھ نہیں آئی
अब्बास दे जानू ते आलिया बीबी दा कदम आए इने आलिया गाजी दे सहारे चढ़दी पई आई हुसैन रश कर गया है सही आजादी अदिया रोंदा क्यों है आदि आज तक गाजी दे सहारे पई चढ़दी है शाम में तेरे बाजार में कार चढ़े सी है फिर टेक हुसैन कचा वेदी खड़ा वेखे भैन वादा आते कल कतल मेरे ते मुक रहती तेरा कदम ना बाहर है तू तस्वीर है बाजार दी मैंने दार में जिगर में खादा मसूर रहते नहीं गए हाय 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 मैं ना करा गल कितल मेरे ते मुक वेंदी तेरा कदम न बाहर तू तस्वीर है माजहरा दी वेंदा दर्द जिगर नु बैठ बंद है कोश ते पयो की तू चढ़नी है कि मैं तुसे शाम दिया गलियां विच ते तुरण दा वाल मुकान जाइया ने काजू ने पुत्रन दी बात सुने इस्लाम ने फायदार बैठे असगर दी मार है हुसैन फरमाया अब्बास तू मामला को खलो मैं जाना ते असगर दी बात आए केड़ी ठा ए इथे यार दी हड़ियां दा पुत्र चाही खली है अंगल दे नाल 4 साल दी बतूल रलाई खली है यानी इन चाक मेरे गांव जान करवट करवट जन्नत नसीब आते हो यार अपना कोल तर का लायक रबाब तैयार करो गल्ला करे डक जावा तक ने तड्डे दिन पहुंच सका बस खत्म आज खाली ये बतूल दा बेड़ा मैं तो तेरे च बसे ना जा आज उजड़ के पी बैठे बहुत सोनी मकान हो गई ऐ जुमला है इस वड़ा जुमला मेरे कोई चाचा जी कोई नहीं मेरी जाके एक कोई नहीं असगर दी मां ने पास वे के दर रबाब नहीं हमने पहले दसिया मामले च मेरी ज़ैनब थक गई आनी है मेरी की जरूरत दो वजूहत है ता मेरी जरूरत नहीं तो जमाने पे इमाम दबूहा में बांध करा वो तू साके कुंडिया रख के यार मसूर सुगरा दी थी सुगरा बैठी है डेढ़ ही दे मोड़ चादर बिछा के ते हार मसूर सुगरा दिगा लग के ढाई मार के उन्हीं है ताकि जिले मैं धी तेरे मिलन वैसा या धी मर वैसिया या नबराने रबा मर वैसा सुगरा है मुड़ी हुई माँ दी थी सुगरा न मैं पाले माँ बन ते मावत बगैर धीया दा जाट नहीं निभता यार जड़े आए नहीं कर सके कभी वेख लमी अजमा लमी पूरा घर तैयार हो जावे ते 7 साल दी धीर वाके असा पवे ने असा पर ते तो कलिया घर में चरा है ये तेरी धी रह लवे ते ठीक जे न रवे ते आके सुगरा तेरी अपनी किस्मत केड़ा मातम नहीं कर सके कोई कम से भी बिन मां प्यो दे नहीं रह सकदी हिंग लाजा हैरान हम है कि मैं सुगरा में भी थपे दा बंद दरवाजा हाथ नाप के वीर अली अकबर दा अक सोच तो सही हिंग लाजा तो तोर बजना है मैं मर बजना है मेरा पर सही अकोर जना ਸਟੋਰ ਬਣਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਬਣਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੜਸੀ ਕੌਣ ਜਨਾਬ ਸਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਆ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮਤ ਕਿਆ ਮਤ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਕਾਂਡ ਬਾਉਣ ਨਾ ਲੈ ਰਬ ਆਪ ਸੈਨ ਵੰਚ ਮਾਮਲ ਚ ਬਹਿ ਕਾਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਪੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ मेरी माँ हो गया मैं कलिया ना छोड़ जावे धीया दिखा जो है पर देखा ही मेरी माँ बहन के हिस्से की आज तो मुकान राज के भी मातम कर ले से पुरला की शाम अली सी आजादी दूर जा ले से तू सा हुसैन की पावत बारे से परचाए मौला कर दिया कुटिया जी बजुर्ग जाके कि मेरे दादा जान पढ़ दिया कि मरहूम गुलाम है कल्लू पढ़ दिया घर की कुंजी लेके शबीर उठे आखन लगे जिथे डेढ़ी के मोड़ चादर से बैठी आई की मां थी कल्ला मार गया दन सुरा बाबा मिलना है आदिये कोई ना बाबा पता लग गया है तू ही अपने घर दिया चाबियां दे बड़ा है इन करके चादर चमिसाई आदिये चादर से बैठवाए
मुकान इस कुरबान में शामिल होना है। आदि अच्छा दर्द बहवाए वेली असगर दबाबा बदले के कलाम दा तब्दील कर गया दी अच्छा दराज रहे वे गुमराह दबाबा आदि अच्छा दराज रहे वे सकीना दबाबा वे सुमेरे अल पासे सैयदा दे कुबरा दही लगना सकीना दही लगना तेरा कुछ ना लगना ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਕਵਾਏ ਮਹਮਲ ਤੁਰ ਪਏ ਖਾਸੀ ਤੂੰ ਜੜੀ ਮਾਂ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
رسول دی آئیے وہ تھوک دین حسین پیرے ہاتھ پیر رکھنے شروع کی دین حسین وینا کچھ ویکھے نہ کیڑی حالت ہے قاضی دی بڈڑی ماں سر چادر لائی کھڑی ہے پھر پاس سے پیر تے چادر رکھی کھڑی ہے تے ہاتھ جوڑ کے پیدا جی دا ہاتھ روزے تے رکھوائی کھڑی ہے تے رات کے پیا دی اندھیری Thank you.